मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका एमएस। आप जब भी कोई वीडियो देखिए मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। देखिए, आपको पता है एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एमएस ऑफिस पर आधारित एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप रंग बिरंगे चित्र तैयार कर सकते हैं। इस पर इसमें जो है हम किसी भी प्रोजेक्ट क्या होते हैं दस्तावेजों को तैयार भी करते हैं, आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स क्या होती है? सारणी। देखिए, जो सारणी होती है वो बनी होती है रो तथा कॉलम से मिलकर आपकी कोई भी सारणी बनती है, और जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करती है, टकराती हैं, तब आपका एक सेल आपका तैयार होता है। आप किस प्रकार टूल बार के प्रयोग से टेबल बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है आपको? आपको क्लिक वहाँ करना है जहाँ पर आपको कोई भी टेबल तैयार करनी है। इसके लिए आप देख सकते हैं मेन्यू बार में आपको इंसर्ट टेबल पर आपको क्लिक करना है। क्या बताया मैंने आपको? मेन्यू बार में आपको इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस ऑप्शन आ जाएगा। आप सारे बॉक्स देख रहे हैं, इसमें है रो तथा कॉलम। तो जितनी भी आपको रो और कॉलम चाहिए उसमें ऑप्शन आएगा आपका इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना। इंसर्ट क्या होता है मैंने? किसी भी चीज़ को अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना, वो होता है इंसर्ट। तो इंसर्ट टेबल की सहायता से आप अपने जो टेबल है, जो आपका प्रोग्राम है, आप उसमें टेबल तैयार कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं आप, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है आपका केबल। आप केबल के माध्यम से भी लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रो। अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी आपको कॉलम चाहिए, जितने आपको रो चाहिए, उतने केवल आपको नंबर डालने हैं, केवल आपको संख्या डालनी है। जितने भी आपको रो तथा कॉलम चाहिए तो वो ऑटोमेटिक आपके जो है ऐड हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो रो है और दो ही मैंने कॉलम को बनाया है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। वैसे तो ये आपका लैब वर्क है, जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे आपको लैब में करवा दिया जाएगा। ये वर्क केवल आपको समझना है, उतारना नहीं है। आपका 19 और 20 केवल आपको समझना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।